और कल कहा कि यहाँ से टीम भेज दीजिए और कल कहा कि यहाँ से टीम भेज दीजिए। नमस्कार, मैं प्रेस कुशवाहा, भारत लाइव देख रहे हैं। देखिए, जिस तरह से तमिलनाडु में बिहारियों मजदूरों के साथ मारपीट किया मामला सामने आया है और जिस तरह से बवाल चल रहा है जो सदन से लेकर सड़क तक और तमिलनाडु तक जो गामागामी मची हुई है, इसको लेकर अब नीतीश कुमार से जब सवाल किया गया कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ जिस तरह से घटना घट रही है उस पर क्या कुछ कर रही है बिहार सरकार, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, हम बिहार सरकार, जब से हमको पता चला है कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ मारपीट की गई है, तब से हमने एक टीम बनाकर तमिलनाडु भेज दिया है और सब कुछ जांच करके सब कुछ रिपोर्ट देगी, बता देगी, फिर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। और टीम यहां से रवाना हो चुकी है। देखिए क्या कुछ कह रहा है नीतीश कुमार, पहले आप इस वीडियो में। परसों ही जब जानकारी अखबार में मिली तो उसी समय हमने अपने अधिकारियों को कह दिया कि जरा पता करिए, उन लोगों ने यहाँ बात किया और कल कहा कि यहाँ से टीम भेज दीजिए, वो टीम जा रही है और जाकर के एक एक चीज को देखेगी। तो पिछले साल से दर्जा नहीं मिलेगा बिहार को। तो आपने देखा जिस तरह से नीतीश कुमार कहते नजर आ रहे हैं कि हमने कल ही अखबार में देखा है जिस तरह से तमिलनाडु में बिहारियों के साथ मारपीट हुई है, उसको लेकर हमने आदेश दे दिया है और एक टीम बनाकर भेज दिया है तमिलनाडु के लिए कि वहां जाकर पहले देखे क्या कुछ हो रहा है और बिहारी जिस हालत में फंसे हुए हैं सब किसी को वहां से सकुशल निकाल लिया जाएगा और वहां से किसी बिहारी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबको, सारे बिहार के वासी जो भी वहां तमिलनाडु में फंसे हुए हैं, सभी होली के पर्व पे घर वापस आएंगे, इसकी चिंता ना करें, बिहार सरकार पूरी व्यवस्था कर रही है। बता दें आपको कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने तमिलनाडु में जाकर केक काटा था स्टालिन के साथ में और उसके बाद जिस तरह से मामला सामने आया कि तेजस्वी यादव साफ तौर पे डीजीपी के बयानों को कोट करते हुए नजर आए कि ऐसा कोई मामला नहीं है, तमिलनाडु में सब कुछ ठीक है, बिहार के साथ कुछ नहीं हुआ, इसके बाद से विपक्ष जो है कि काफ़ी गर्मा गई है और सदन में इस मामले को पूरे जोर से उठाने लगी है और इसमें विरोध भी सदन में कर दी और बेल में आकर हंगामा भी कर दी। इसको लेकर अब नीतीश कुमार फ्रंट में दिख रहे हैं और नीतीश कुमार ने पूरी व्यवस्था कर दी है कि तमिलनाडु में किसी भी बिहारियों को दिक्कत ना हो और वहाँ के सरकार से और वहाँ के डीजीपी से लगातार संपर्क में है बिहार के सरकार और जो भी समस्या हो रही है इसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है, अगर किसी को समस्या हो तो इस नंबर पे बात कर सकती है। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बन रहे हैं, आप भारत लाइव देख रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, वो ये एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।